हे दोस्तों, कन्वोकेशन होने वाला है 30 अक्टूबर को जामिया मिलिया इस्लामिया का, और उसमें आने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद सर, जो कि राष्ट्रपति है भारत का। और जो राष्ट्रपति का जो पद होता है वो प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर होता है, तो वो आने वाले हैं 30 अक्टूबर को। और जो भी स्टूडेंट 2017 के पास आउट है और 2018 का पास आउट है, उनको डिग्री भी मिलेगा, उनको मेडल्स भी मिलेंगे, उनके गोल्ड मेडल का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो भी इस साल हो रहे हैं फाउंडेशन डे, कन्वोकेशन डे उसका या तालीमी मेला, उनका कंप्लीट डिटेल, कंप्लीट शेड्यूल बताने वाला हूं, और जिनको डिग्री लेनी है उनको डिग्री कैसे मिलेगा, क्या क्या स्टेप फॉलो करने होंगे डिग्री में, जो हुड पहनते हैं, जो स्पेशल ड्रेस पहनते हैं वो कहां पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या फीस लगेंगी, फीस नहीं लगेंगी। प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं तो मिनिस्ट्री भी आएंगे, तो बहुत बड़ा ग्रांड सेलिब्रेशन होने वाला है, जो कि 29, 30 और 31 अक्टूबर को 3 दिन कंसेक्यूटिव होने वाला है, और 30 को आपको मिलेगा डिग्री। आप इस वीडियो में देख सकते हैं इस पीडीएफ में कि 29 अक्टूबर को कुछ शेड्यूल्स है, तालीमी मेला शुरू हो जाएगा, और 29 अक्टूबर को जामिया मनाता है अपना फाउंडेशन डे, जिस दिन जामिया की तामीर हुई थी, जिस दिन जामिया का फाउंडेशन हुआ था 29 अक्टूबर को। और 29 अक्टूबर इस साल हो जाएंगे जामिया के 99 साल। 99 साल की खुशखबरी में जामिया इस साल ग्रांड सेलिब्रेशन कर रहा है, जो कि जो एनुअल कन्वोकेशन होते थे अंसारी ऑडिटोरियम में, उसको शिफ्ट करके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मंसूर अली खान पटौदी स्टेडियम में कर दिया गया है, जिसको भोपाल ग्राउंड भी बोलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल आपको बताने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो में हमेशा अपलोड करते रहता हूं आपके फायदे के लिए। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कोई पैसे तो लगाना नहीं, जस्ट लाल बटन जो सब्सक्राइब के नीचे दिख रहा है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, लाइक बहुत जरूरी है मेरे मोटिवेशन के लिए, तभी तो आपके पास मैं फ्री में वीडियो पहुंचा के आपके पास पहुंचाता रहूंगा, आपको शेयर करता रहूंगा फ्री में वीडियो। तो दोस्तों, लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों का ज्यादा शेयर कीजिए, किसी फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए तो उसमें भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपनी मन की बात जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं, इस चैनल को और कैसे बेटर बना सकते हैं, इस चैनल को, इस वीडियो को कैसे और अच्छे बना सकते हैं, जरूर कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, शुरू करते हैं जामिया के वेबसाइट से। जैसे आप वेबसाइट ओपन करेंगे, एनुअल कन्वोकेशन ये ब्लिंक कर रहा है, इस पे जैसे क्लिक करेंगे ये पेज खुल जाएगा। इस पेज में आप देखेंगे ऊपर सारे नोटिफिकेशन है, नीचे लिस्ट ऑफ रेसिपिएंट्स ऑफ डिग्रीज, डिप्लोमा, फैकल्टी सेंटर वाइज है। 2018 में जो पास आउट स्टूडेंट है सारे फैकल्टी के वो ऊपर है, और 2017 के जो पास आउट स्टूडेंट है उनके नीचे है। आप अपना नाम फैकल्टी वाइज क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अगर आप टॉपर हैं तो गोल्ड मेडलिस्ट लिस्ट में भी नाम देखना ना भूले, गोल्ड मेडल या आपके जो भी क्लासमेट है कौन गोल्ड मेडलिस्ट है, जरूर ये जो लिंक दिया है लिस्ट ऑफ टॉपर्स गोल्ड मेडलिस्ट एनुअल सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2017-18, इसको क्लिक करेंगे तो जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं आपके बैच के उनका नाम आ जाएगा, उनको गोल्ड मेडल पहनाया जाएगा। तो वो कैसे पहनाया जाएगा मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं कि 29 को क्या होगा, 30 को क्या होगा, 31 को क्या होगा। 29 को सुबह 9 बजे से इनॉग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। एनसीसी के जो कैडेट कॉप्स, नेशनल कैडेट कॉप्स है, एनसीसी के बच्चों के द्वारा फ्लैग को वास्टिंग हो गई, यानी कि जो नेशनल फ्लैग है उसको फहराया जाएगा, झंडे को फहरा के जामिया के ये प्रोग्राम 29 अक्टूबर को शुरू किया जाएगा। जिसको डिग्री लेना है उसको ज़रूरी नहीं है 29 को आना, 31 को आना, उनका 30 अक्टूबर को डिग्री मिलेगा। एनुअल कन्वोकेशन होने वाले हैं 30 अक्टूबर को, लेकिन जिनको एंजॉय करना है ग्रैंड सेलिब्रेशन को, वो 29 को भी आ सकते हैं, 30 को भी आ सकते हैं, 31 को भी आ सकते हैं। इसमें उनका कोई एंट्री पास नहीं लगेगा तालीमी मेला को घूमने में। आसपास के जितने भी लोग हैं आते हैं, एंजॉय करते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आप स्टूडेंट हैं तभी आ सकते हैं। अगर आप नॉर्मल फैमिली को घुमाने, जस्ट लाइक मेला लगता है, तालीमी मेला में आप आएंगे, अलग अलग एक्टिविटीज़ होते रहेंगे बच्चों के थ्रू, या जो भी जो बड़े बच्चे हैं जो कि ग्रेजुएट लेवल पे हैं उनके थ्रू भी बहुत सारे एक परफॉर्मेंस होती है, ड्रामा, म्यूज़िक, नौटंकी, बहुत सारे चीज़ें चलती रहती है, पैरेलली क्विज होता है, उसके बाद कुछ छोटे छोटे गेम्स होते हैं, वो सारे होते रहते हैं। इसका पूरा आनंद ले इस मेला को। दोस्तों,
मेरे वीडियो एक वीडियो पड़ा हुआ है एनुअल कन्वोकेशन का, आप उसको देख सकते हैं कि कैसा माहौल होता है। वैसे आप जाके फिजिकली विजिट करेंगे तो और अच्छा लगेगा दोस्तों। ये था, मैंने आपको बता दिया 29 को और 31 को तालीमी मेला होगा और 30 अक्टूबर को कन्वोकेशन डे है, तीन दिन ग्रांड सेलिब्रेशन होगा। 99 साल हो जाएंगे जामिया के 29 अक्टूबर को और 30 अक्टूबर से 100वीं साल शुरू हो जाएगा जामिया का दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं कि कैसे डिग्री मिलेगा दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हैं इस वीडियो में ये है पूरा नोटिस जो कि ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार से है, जो कि कुल सचिव कार्यालय से है, 21 अक्टूबर को आया है। दोस्तों जिसको डिग्री लेने हैं उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो कन्वोकेशन होगा 30 अक्टूबर को होगा। जो भोपाल ग्राउंड है उसका नाम है MAK पटौदी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, यानी मंसूर अली खान, सैफ अली खान के जो अब्बा हैं उनका नाम है मंसूर अली खान, उन्हीं के नाम पे पटौदी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि सैफ अली खान के दादी ने ये भोपाल ग्राउंड की ज़मीन को गिफ्ट किया था जामिया को, इसलिए इसको भोपाल ग्राउंड भी बोलते हैं और MAK पटौदी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। दोस्तों 11 बजे से शुरू हो जाएगा कन्वोकेशन, कब? 30 अक्टूबर को हो। आपको अगर आप अगर 17 के पास आउट हैं या 18 के पास आउट हैं तो आपको डिग्री लेना कंपलसरी है, नहीं तो आपको फाइन लगेगा। तो जो भी 17 और 18 के जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो जामिया में आकर 30 अक्टूबर को ज़रूर लें। और 30 अक्टूबर को आप आएंगे तो क्या क्या एक्टिविटी करना होगा? सुबह आपको 7:30 बजे से एक्टिविटी शुरू हो जाएंगे, यानी सुबह 7 बजे आपको जामिया पहुंचना है। 7:30 बजे से 9:30 बजे के बीच में आपको जो गाउन्स होता है वो मिलेगा। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि गाउन्स एंड हुड्स, जो कपड़े स्पेशल पहनते हैं वो पहनना ज़रूरी है, तभी आपको कन्वोकेशन में एंट्री दिया जाएगा, वरना आपको कन्वोकेशन में घुसने नहीं दिया जाएगा। अगर वो ड्रेस अगर आप नहीं पहनेंगे, वो ड्रेस आपको कहाँ से मिलेगा? वो ड्रेस आपको मिलेगा अंसारी ऑडिटोरियम, तो आप जामिया में जानते होंगे MA अंसारी ऑडिटोरियम है, उसी के पीछे सफदर हाशमी ओपन एयर थिएटर है। सफदर हाशमी ओपन एयर थिएटर है, मैंने खुला हुआ है, सीढ़ी नुमा थिएटर है, वहीं से आपको गाउन्स मिलेगा, हुड्स मिलेगा। गाउन्स मतलब कोट और हुड मतलब आपके जो हुड होता है गर्दन पे लगाते हैं वो मिलेगा। आपको 550 रुपया जमा करना पड़ेगा, जो कि आपको 500 फिर वापस हो जाएंगे, कब? जब आप ड्रेस जमा करेंगे तब। बाकी 50 रुपया हायरिंग चार्ज है, तो 550 रुपया आपको देना होगा 30 अक्टूबर को 7:30 बजे सुबह से लेके 9:30 बजे सुबह तक, यानी सिर्फ आपको 2 घंटे मिलेगा, उसी में आपको गाउन्स हुड लेने होंगे। बहुत भीड़ होगा इसलिए जितना जल्दी जाएंगे उतना अच्छा होगा। उसके बाद 11 बजे से आपका जो कन्वोकेशन है स्टार्ट होगा, राष्ट्रपति जी आने वाले हैं तो बहुत हाई अलर्ट आसपास में होंगे दोस्तों, ये ध्यान रखना होगा आपको, उसी हिसाब से आपको आना होगा। दोस्तों आपको एक फॉर्म भरना होगा, जो कि फॉर्म अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप फॉर्म भर के अच्छे से मैं बताता हूं उसमें क्या क्या फॉर्म भरने हैं और कहां जमा करना होगा। लिस्ट मैंने आपको बता दिया था कि दोस्तों आप अपना नाम देख सकते हैं, फैकल्टी वाइज है, जो कि 18 के पास आउट है और 17 के पास आउट है उनका लिस्ट है, चाहे वो किसी भी फैकल्टी को या किसी भी सेंटर्स के हों, सबका लिस्ट पड़ा हुआ है, जो गोल्ड मेडलिस्ट अवार्डी है उनका भी। गोल्ड मेडल दोस्तों कहाँ मिलेगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों ये आपका शेड्यूल 29, 30, 31 को मैंने बता दिया है, जिनको डिग्री लेना है वो 30 को आएंगे, और आपको शेड्यूल मैं आपको सब बता दिया हूँ, और हुड कहाँ मिलेगा आपको बता दिया हूँ कि अंसारी ऑडिटोरियम के पीछे जो सफदर हाशमी ओपन एयर थिएटर है वहाँ पे मिलेगा, 550 रुपये जमा करना पड़ेगा और फिर वापस आपको ड्रेस वो जमा करना पड़ेगा, तभी आपको डिग्री मिलेगी। अगर आप ड्रेस लेके जाएंगे तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी, जब तक आप जमा नहीं करेंगे ड्रेस तब तक आपको एक रिसिप्ट नहीं मिलेगा, और वो रिसिप्ट देंगे तभी आपका डिग्री मिलेगा। डिग्री आपको कहाँ मिलेगा? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जहाँ मेन कन्वोकेशन होता है वहाँ नहीं मिलेगा, आपको अपने डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। जैसे आप इंजीनियरिंग फैकल्टी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो डिग्री होगा वो आपका डिपार्टमेंट से मिलेगा, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में मिलेगा, अगर आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं तो मैकेनिकल में मिलेगा। उसी तरह जो मास कम्युनिकेशन वाले हैं उनका मास कम्युनिकेशन से डिग्री मिलेगा, जो पॉलिटेक्निक वाले हैं पॉलिटेक्निक से मिलेगा, जो लॉ पढ़े हुए हैं उनको लॉ फैकल्टी से मिलेगा, जो एजुकेशन
में है, जैसे बीएड एमएड किए हुए हैं उनको बीएड एमएड के जो फैकल्टी है जिसको टीटीआई बोलते हैं एजुकेशन फैकल्टी में, वो वहाँ मिलेगा। मतलब जो आपका फैकल्टी है वहीं से आपको डिग्री मिलेगा, ना कि मेन जहाँ कन्वोकेशन होगा वहाँ मिलेगा। तो जो जहाँ भी मेन कन्वोकेशन होगा राष्ट्रपति जी आएंगे, एक बार संबोधित कर देंगे सबको, उसके बाद आपको अपने अपने डिपार्टमेंट में जाना है। अपने डिपार्टमेंट में जाके वहाँ पे आपके डिपार्टमेंट में भी एक हॉल है, आपके डिपार्टमेंट में भी एक ऑडिटोरियम है, वहाँ जाना है। वहाँ आपके जो क्लासमेट टॉपर है उनको गोल्ड मेडल पहनाया भी जाएगा और डिग्री आपको डिपार्टमेंट से मिलेगा। दोस्तों आपको मैं कंप्लीट डिटेल बता दिया हूँ, अगर आप इस दिन को नहीं जाएंगे तो ₹100 पेनाल्टी लगेगा जब आप डिग्री बाद में लेंगे। तो दोस्तों इसमें आपको फॉर्म कैसे भरना है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको कन्वोकेशन लेने के लिए ड्रेस चाहिए, ड्रेस मैंने बता दिया, अंसारी ऑडिटोरियम के पीछे मिलेगा सुबह 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। और उसके बाद आपको डिग्री जो सर्टिफिकेट्स हैं या डिप्लोमास हैं वो आपके डिपार्टमेंट से मिलेगा, और एंट्री पास ज़रूर होना चाहिए तभी आपको मिलेगा। एंट्री पास के लिए आपको जमा करना होगा एंट्री पास, ये जो फॉर्म है आप इसमें दो पार्ट है, आप देख सकते हैं एक ही पेज है जिसमें दो पार्ट है। फॉर्म ए है जो कि फॉर्म आपको भरना है, यहाँ पे आपको फोटो चिपकाना है, यहाँ पे आपका नाम होगा, यहाँ फादर नेम, एड्रेस और एग्ज़ाम, कौन से एग्ज़ाम आप पास आउट हैं, कौन से ईयर में, 17 में या 18 में, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, मोबाइल नंबर, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, क्या आप जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कैंडिडेट का यहाँ सिग्नेचर होगा, डेट होगा, और यहाँ पर आपका स्टूडेंट का नाम है, यहाँ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, फादर नेम, एड्रेस, एग्ज़ाम पास, ईयर, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, मोबाइल नंबर, ऑक्यूपेशन, और यहाँ पे आपका सिग्नेचर नहीं होगा, जो जामिया का अथॉरिटी है वो आपको इशू करेगी, यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा। ये आपको जमा कहाँ करना होगा दोस्तों, ये जमा आपको करना होगा जो DSW है, डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर का जो ऑफिस है वो अंसारी ऑडिटोरियम के पीछे है, वहाँ पर आपको 28 अक्टूबर, लेटेस्ट बाई 28 अक्टूबर तक आपको जमा कर देना होगा, क्योंकि 30 को है तो 29 को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। 28 अक्टूबर से पहले आपको जमा करना होगा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक खुद से जमा कर सकते हैं या किसी के दूसरे द्वारा भी जमा करवा सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है मान लीजिए, तो आप किसी को ऑथराइज लेटर लिख के एक पेपर पर लिख दीजिए कि ये हमारे जानने वाले हैं, इनका आईडी ये है, इनको मैं फॉर्म दे रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, इनके हाथों ये फॉर्म एक्सेप्ट किया जाए, और एक्सेप्ट होगा और इसी में से आपको फाड़ के एक पर्चा दे दिया जाएगा जो कि आपका एंट्री पास होगा, और इसी एंट्री के पास से 30 अक्टूबर को आपका एनुअल कन्वोकेशन में एंट्री होगा और डिग्री भी मिलेगा दोस्तों। तो आप ये फॉर्म भर लीजिएगा, और जमा कहाँ करना होगा मैं आपको बता दिया हूँ कि DSW का जो ऑफिस है, डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर का जो ऑफिस है, जिसका नाम है सफदर हाशमी ओपन थिएटर के पीछे, यानी अंसारी ऑडिटोरियम के पीछे है, वहाँ पे आपको 28 अक्टूबर तक ले जाके खुद से जमा कर सकते हैं या किसी से भिजवा देंगे तो भी वह एक्सेप्ट होगा। सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक फॉर्म आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। फॉर्म ये है, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये होगा। अगर आप कार से जाते हैं तो पार्किंग का ध्यान रखें, क्योंकि उस दिन मिनिस्ट्री भी आएंगे, बहुत सारे चांसलर भी आएंगे, वाइस चांसलर भी आएंगे, रजिस्ट्रार भी आएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो गेट नंबर 13 पे जाना पड़ेगा, यानी गेट नंबर 13 पे जाके वहाँ पे जितने भी स्टाफ है स्टूडेंट वहाँ पार्किंग करेंगे। जो VIP गेस्ट हैं उनको गेट नंबर 7 पे पार्किंग का अवसर दिया गया है। VIP गेस्ट जो भी आएंगे गेट नंबर 7 पे पार्किंग करेंगे, जैसे चांसलर साहब आएंगे, वाइस चांसलर, प्रो चांसलर, ये गेट नंबर 7 पे इनका पार्किंग होगा। आप स्टूडेंट हैं तो गेट नंबर 13 याद रखिएगा। और जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो पार्किंग होगा वहाँ राष्ट्रपति जी का पार्किंग होगा, मिनिस्टर का पार्किंग होगा, चांसलर, वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार का पार्किंग होगा। जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का गेट है, गेट नंबर 5, वहाँ पे जो भी एक्सटर्नल मेंबर्स आएंगे जो कि हाई प्रोफाइल्स के नहीं होंगे, उनका पार्किंग गेट नंबर 5 पे हो जाएगा। लेकिन जो इंटरनल स्टाफ है, जैसे स्टूडेंट है, स्टाफ है, टीचर्स, उनका गेट नंबर 13 पे होगा। तो दोस्तों अगर आप कार से आते हैं तो पार्किंग का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि उस दिन राष्ट्रपति जी आने वाले हैं और आपका जो कन्वोकेशन है 30 अक्टूबर को होने वाला है। 28 अक्टूबर से पहले ये जो एंट्री फॉर्म है आपको भर लेना होगा,
और आपको जिस दिन कन्वोकेशन होगा 7:30 बजे जाना होगा। 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक आपका जो ड्रेस है, हुड और गाउन जो स्पेशल डिग्री के लिए अलॉट होता है, बिना इसका एंट्री नहीं होगा। अगर आप हुड गाउन नहीं पहनेंगे तो आपका एंट्री नहीं होगा कन्वोकेशन में दोस्तों, इसलिए आपको ये ज़रूरी है। आप पूरा वीडियो समझ में नहीं आया तो ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो ज़रूर लाइक बटन को प्रेस करके हमें मोटिवेट कीजिएगा और दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, चाहे वो फेसबुक ग्रुप हो चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो। और नए चैनल पर हैं, मेरे चैनल पर अभी नए हैं आप तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों तालीमी मेला 29 अक्टूबर 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा। तालीमी मेला में घुसने के लिए आपको कोई एंट्री पास की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आप जाके अंदर एंजॉय कर सकते हैं। सिर्फ कन्वोकेशन के लिए एंट्री पास होगी, क्योंकि स्टूडेंट को जो डिग्री मिलेगा सिर्फ स्टूडेंट को मिलेगा, बाहरी लोगों को नहीं मिलेगा, बच्चों को बूढ़ों को नहीं मिलेगा। इसलिए आपका जो कन्वोकेशन के दिन रिस्ट्रिक्टेड होगा, बाकी 29 और 31 अक्टूबर को जाकर फ्री में जामिया में किसी भी गेट से घुस जाइए और एंजॉय कीजिए, मेले का मजा लीजिए, तरह तरह के खाने खाइए, गाने सुनिए, थिएटर देखिए, बिजनेस क्लब हो, बहुत सारे की एक्टिविटीज़ है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपना नाम इसमें किसी भी लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। जैसे मैं आपको क्लिक करना चाहूँगा डॉक्टर पे, फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री पे, जैसे क्लिक करेंगे आपको एक पीडीएफ खुलेगा, उस पीडीएफ में आप अपना नाम देख सकते हैं, जैसे रोल नंबर होगा, एनरोलमेंट नंबर होगा, नेम है मोहम्मद नकीब आलम, इनका रिजल्ट क्या आया है, मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद अरसलान, सुकेश कुमार राय, मोहम्मद वारिस, रंजय कुमार, हीना कौसर, आदिल जफर, अनम फातिमा, इस सबका नाम है। हर कोर्स वाइज है दोस्तों, आप अपना कोर्स वाइज अपना लिस्ट देख सकते हैं, हमेशा के लिए इसको अपने मेल पे अटैच करके रख सकते हैं दोस्तों, हमेशा आप देखेंगे तो आपको एक मेमोरेबल होगा, जैसे मैं भी देखता हूँ तो मेमोरेबल होता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, अगर हेल्पफुल लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, हम है रहे ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया।